गाइस नमस्कार, फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में और मैं लेकर आई हूँ आईपीएल मैच नंबर 28 जिसमें हम बात करेंगे केकेआर वर्सेस एलएसजी के मैच के बारे में। तो फाइनल प्रेडिक्शन करने से पहले आपको अगर एक्यूरेट टॉस मैच सेशन का रिजल्ट चाहिए तो लेग्स बाइक का व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है, तो इनको आप व्हाट्सएप पे मैसेज जरूर करिए, इनका काम बहुत ही ज्यादा अच्छा है। तो गाइस क्रिकेट का उत्सव ली इंडिया लीग प्रीमियर लीग का मैच नंबर 28 दो जो ऐसे टीम्स के बीच है जिसमें गौतम गंभीर कोच कर चुके हैं और तो अब आप लोग समझ ही गए होंगे कि किसकी बात कर रहे हैं हम लोग। तो तरह कोलकाता एक तरफ है कोलकाता नाइट राइडर्स और दूसरी साइड है लखनऊ सुपर जायंट्स। तो पिछले साल एक गौतम लखनऊ के साथ थे तो इस बार वो अपनी पुराने टीम को कोलकाता से जुड़ गए हैं। इस वीडियो में बात करेंगे 28 मैच की कम्प्लीट एनालिसिस। यह मैच 14 अप्रैल को कोलकाता के एडन गार्डन में खेला जाएगा। लगभग 20 दिन के लिए बाद कोलकाता मैया मैच खेलेंगी। और बात करें हेड टू हेड की तो टोटल मैच खेले गए 3 जिसमें का हुआ 0 और एलएसजी का हुआ 3। बात करें गाइस वेदर रिपोर्ट की तो कोलकाता में इस वक्त वेदर अच्छा रहेगा और रेन चांसेस 0%, ह्यूमिडिटी 53% और टेम्परेचर 23 डिग्री सेल्सियस रहेगा। पिच रिपोर्ट की बात करें तो ईडन गार्डन के पिच सामान्य तौर पर स्पिन बॉलर्स को थोड़ा हेल्प करती है लेकिन पिच बैटिंग के लिए भी अच्छी है। पिछली बार जब यहाँ पे हैदराबाद और कोलकाता का मैच हुआ था तो उसमें दोनों टीम की 200 से प्लस रन बनाए थे और टॉस जीतकर यहाँ पे टीम पहले बॉलिंग करना पसंद करेगी। पिच रिपोर्ट की बात करें तो विनिंग परसेंटेज की बात करें फर्स्ट बैटिंग का विनिंग परसेंटेज है 38%, फर्स्ट बॉलिंग का विनिंग परसेंटेज है 60%। एवरेज स्कोर की बात किया जाए तो फर्स्ट इनिंग एवरेज स्कोर है 164 एंड सेकंड इनिंग एवरेज स्कोर है 150। तो गाइस बात करें अभी केकेआर एनालिसिस की तो टीम ने टूर्नामेंट का बेस्ट स्टार्ट किया है और टीम ने एक पॉजिटिव अप्रोच दिखाई है दे रही है और टीम खुलकर खेल रही है। लगातार 3 मैच जीतने के बाद लास्ट टीम को चेन्नई ने हरा दिया था और लेकिन इस हार से टीम को काफी फर्क पड़ा है लेकिन टीम हर डिपार्टमेंट में हिट है। गौतम गंभीर की वापसी पर असर टीम को दिख रहा है। ओपनिंग में फिनसर्ट और सुनील नारायण की जोड़ी दोनों और ताबड़तोड़ बैटिंग कर रहे हैं और टीम को पावर प्ले में दोनों मिलकर अच्छा स्टार्ट दे रहे हैं। नंबर 3 पर और अंकरिस हैं जो कि अच्छी बैटिंग कर रहे हैं और मिडिल ऑर्डर में वेंकटसिटी अय्यर हैं और श्रेयस अय्यर भी टीम को स्टेबल करते हैं और श्रेयस अय्यर को अब तेज गति से रन बनाना होगा। रिंगो सिंह और एंड्रे रुसेल भी ताबड़तोड़ बैटिंग कर रहे हैं और दोनों किसी भी बॉलिंग को अटैक को तहस नहस कर सकते हैं। और बॉलिंग में मिचेल स्टार्क अब तक फॉर्म में नहीं दिख रहे हैं, उन्होंने विकेट नहीं मिल रहे हैं उन्होंने उनको और अर्शित रैना टीम के टॉप विकेट टेकर हैं जो उन्होंने अब तक 5 विकेट लिए हैं और वैभव वरुण ने लास्ट गेम में 2 विकेट लिए थे। स्पिन बॉलिंग में सुनील नारायण भी वरुण और चक्रवर्ती से विकेट चाहिए होगी और अनुकूल रॉय को लास्ट गेम में चांस मिला था। केकेआर प्लेयर की बात करें तो फिलसर्ट सुनील नारायण और वेंकटेश अय्यर और श्रेयस अय्यर रिंकू सिंह और एंग्री क्रिस और एंड्रे रुसेल वैभव अरोरा अरुण चक्रवर्ती और अनुकूल रॉय मिचेल स्टार्ट। लखनऊ प्लेइंग ये लखनऊ एनालिसिस की बात करें तो टूर्नामेंट में टीम ने अच्छा परफॉर्म किया है लेकिन टीम ने एक हार के बाद लगातार 3 मैच में जीत दर्ज की है और टीम के लिए ओपनिंग क्वेंटन डी कॉक के राहुल कर रहे हैं और नंबर 3 पर देवदूत पेडिकल को लगातार मौका मिल रहा है लेकिन वो आउट ऑफ फॉर्म में चल रहे हैं। आयुष बडोनी ने भी अब तक टीम के लिए रन नहीं बना पा रहे हैं और लोअर ऑर्डर में मार्कस स्टोनिस और निकोलस पूरा लगातार रन बना रहे हैं। निकोलस टीम के लीडिंग रन स्कोरर हैं और टीम के बॉलिंग स्ट्रांग और यश ठाकुर लगातार लाइन लेंथ पे से बॉलिंग डाल रहे हैं। कोलकाता के पिच को देखते हुए एक्सपीरियंस स्पिनर अमित मिश्रा को टीम को मौका दे सकती है। नवीन उल हक की जगह इस मैच में टीम वेस्ट इंडीज के शमर जोसेफ को चांस दे सकती है और स्पिन बॉलिंग में रवि बिश्नोई और कृणाल पांडे भी लगातार विकेट ले रहे हैं और मयंक यादव इंजरी के चलते नेक्स्ट कुछ मैचों में से बाहर हो गए हैं। और प्लेइंग 11 की बात करें तो क्विंटन डी कॉक के आर राहुल और देवदूत पडिकल और निकोलस पुराण आयुष मार्कस और कृणाल पांडे रवि बिश्नोई शमीर जोसेफ और मोहसिन खान और यश ठाकुर। ड्रीम फ्लेम फैंटेसी टीम की बात करें तो विकेट टेकर के आर राहुल और बैटर्स में समीर श्रेयस अय्यर निकोलस पुराना क्विंटन डी कॉक और एंग्री क्रिस और रघुवंशी और बॉलर्स में शामिल है रवि बिश्नोई यश ठाकुर और वैभव अरोरा। ऑलराउंडर्स में शामिल है रिंकू सिंह सुनील नारायण और एंड्रे रुसेल। प्रेडिक्शन की बात करें तो दोनों टीम स्ट्रॉन्ग स्क्वाड के साथ आई है और रिकॉर्ड को देखते हुए केकेआर थोड़ा पीछे है क्योंकि केकेआर के अब कभी भी
कभी भी लखनऊ को हरा नहीं पाई है, लेकिन होम कंडीशन को देखते हुए, टीम की स्क्वाड और कंसिस्टेंसी को देखते हुए मैच का विनर केकेआर हो सकता है। तो गाइस आशा करती हूँ आप लोगों को प्रेडिक्शन वीडियो अच्छा लगा हो। तो ऐसे ही क्रिकेट से जुड़े अनेक खबरों को जानने के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वो आपको मिलेंगे क्रिकेट से जुड़े मैच एनालिसिस, मैच प्रेडिक्शन, टॉस रिपोर्ट और सब न्यूज।